गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का ये ऑरेंज जेल, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया है। इसको मैं दिन में यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी नाइट में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको बहुत सारे तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स ही सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं। 100% नेचुरल प्रोडक्ट हैं। और ये जो इसका साइज़ है, ये 50 ग्राम का पैक है। इसमें 3 साइज़ अवेलेबल हैं, एक 50 ग्राम, 100 ग्राम और 300 ग्राम। तो ये 50 ग्राम का आफ्टर डिस्काउंट 114 का मिला, जो इसका एक्चुअल प्राइस है 175। बाकी जो इसके साइज़ हैं उनका क्या प्राइस है वो मैं मेंशन कर दूँगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मेरा कैमरा कैच नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो सबसे पहले तो ये काम क्या क्या करता है, तो ये डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है, डल स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। सिट्रिक एसिड होने के कारण जो पिंपल्स, एक्ने का प्रॉब्लम है उनको दूर करता है, सारे टॉक्सिन्स को, जो गंदगी है उनको बाहर निकालता है। विटामिन सी होने के कारण जो हमारे स्किन का टेक्सचर है, कलर है, उसको भी इम्प्रूव करता है। कोलेजन को रिस्टोर करता है बॉडी से। और सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, पर बेनिफिशियल फॉर ड्राई एंड डल स्किन। और क्या करता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करेगा। रेडिएंट स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ना ही सिर्फ स्किन पे लगा सकते हैं, आप इसको बालों में भी यूज़ कर सकते हो। और कई तरीक़ों से कुछ भी आपको मिक्स करना है वैसे आप मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं किन किन तरीक़ों से यूज़ करती हूँ वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। इसके साथ साथ अगर आप इसको बालों में यूज़ करते हैं तो बालों के टेक्सचर को अच्छा करता है, बालों को स्मूथ और सिल्की बनाता है। वैसे तो आप इसको जब यूज़ करते हैं ना, स्किन पे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है, पर अगर आपको इसको लगाने के बाद कुछ बर्निंग सेंसेशन होती है, कुछ होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए और तुरंत ही इसको पानी से वॉश कर लीजिए। तो ये इसका जो पैक है वो प्लास्टिक, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है, उसमें आता है, काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग रहती है। एक्चुअली गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है, जो फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अब मैं इसका टेक्सचर आपको बताती हूँ। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज, जैसे ऑरेंज आप खा रहे हो वैसे ही लगेगा, इतना ऑरेंज ही लगेगा। और इसके टेक्सचर की बात करें तो ये देखिए, ये ऑरेंज मेरे कुर्ते से मैच कर रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। और मैं अब इसको बताऊंगी कि मैं यूज़ कैसे करती हूँ। तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद, तो मैं कारा फेशियल वाइप से क्लीन कर रही हूँ इस फेस को। साफ़ करने के बाद फिर मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ जो कि रोज़ वाटर है, और इसको ड्राई होने के बाद अच्छे से इस जेल से मसाज कर लूँगी। बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लगेगी, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं रहेगा स्किन पे। तो अगर आपको इसको लगाने के बाद लगता है कि आपका स्किन अभी भी ड्राई है, तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, पिंपल कम ही नहीं हो रहे हैं, तो आप इसी जेल में थोड़ा सा, एक दो ड्रॉप आप टी ट्री ऑयल का मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए। अगर विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी आप इसको इसमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो बस हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, इसको अंडर आई एरिया में भी आप लगाइए, तो आपके जो डार्क सर्कल हैं उसकी प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। देख रहे हैं ना इसको लगाने के बाद कितना ग्लो आ रहा है चेहरे पे। मैं इसके ऊपर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको बस ऐसे ही लगा रहने देती हूँ। अगर आप पूरे टाइम के लिए नहीं लगा रहने देना चाहते हो तो एक दो घंटे के लिए मोटी लेयर
अपने चेहरे पे लगा लीजिए और कुछ देर बाद इसको वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई, कितना स्किन ग्लो कर रही। अगर आप इसको हेयर में यूज़ करना चाहते हो तो जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ये जेल मिक्स कर लीजिए, या फिर इस जेल में आप कर्ड बनाना कुछ भी मिक्स करके आप अपने बालों पे लगा सकते हो। डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी विटामिन सी होने के कारण ये काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप इसको पर्पल से परचेज कर सकते हैं। इसका परचेसिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी डिस्काउंट चल रहे हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप इस जेल को दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, और इसके ऊपर आप मेकअप भी वेयर कर सकते हो। और अगर नाइट में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आप जो भी अपना मॉइस्चराइज़र सीरम यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। इसकी जो पर्पल पर रेटिंग है वो है 5 स्टार, तो इसकी 5 स्टार रेटिंग देख के, इसके रिव्यूज़ इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ देख के ही मैंने इसको परचेज़ किया और काफ़ी अच्छा मेरे स्किन पे काम किया है। तो अगर आप चाहते हो उसको परचेज़ करना तो आप परचेज़ कर सकते हो, उसका छोटा पैक एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये रिव्यूज़ पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।